यूपीएससी बोर्ड का रिजल्ट घोषित होते ही छात्र व छात्राओं के चेहरे खुशी से खिल उठे, जिसके संबंध में छात्र हर्षित जायसवाल ने बताया कि हम सीबीएसई बोर्ड कक्षा 12 के छात्र हैं, जिसमें मेरा 97.8% नंबर आया, जिसका श्रेय अपने माता व पिता को देता हूं। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को प्रतिदिन पढ़ना चाहिए क्योंकि हमको आगे चलकर इंजीनियर बनना है। वहीं इस संबंध में छात्रा दिशा त्रिपाठी ने कहा कि कक्षा 12 की सीबीएसई बोर्ड की छात्राओं और मेरा 85% अंक आया है और मुझे आगे बीटेक करना है, जिसका श्रेय अपने माता पिता व टीचर को देती हूं। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए सीबीएसई बोर्ड में से पास होने वाले छात्र हर्षित जायसवाल, कुशल गुप्ता, छात्रा अंजलि राय, दिशा त्रिपाठी, आंचल त्रिपाठी, अंशिक ने कहा। क्लास 93%। फैमिली को नीट की तैयारी करेंगे। हाँ, अंजलि राय नाम है। 96.2। इसका श्रेय मैं अपने माता पिता को देना चाहूँगा और RPM के टीचर्स को देना चाहूँगा। आगे का प्लान है कि IIT में सिलेक्शन लेना। IIT में परसेंटाइल 97.00। बहुत खुशी है। थैंक्स करने जाएंगे अपने स्कूल वालों को सर, क्योंकि जितने भी स्कूल्स के प्रॉपर नोट्स फॉलो करने पे ये सब हुआ है सर। 95.4। आगे का प्लान सर JEE दिए हैं सर। JEE मेंस हो गया सर, एडवांस के लिए प्लान। आयुष यादव 85 से ज़्यादा है, बस एक नौ सब्जेक्ट का भी ऐड नहीं किया है। आगे का क्या प्लान? आगे मुझे BTEC करना है, JEE के लिए प्रिपरेशन करनी है। सारे टीचर्स को, पेरेंट्स को, मेरे फ्रेंड्स को, जिन्होंने मेरे साथ कोऑर्डिनेट किया इतना सारा। बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, क्या टिप्स देना चाहेंगे? बस यही टिप्स देना चाहेंगे कि मेहनत करते रहें, और मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, और हमेशा खुद पे बिलीव करें, और पेरेंट्स और अपने टीचर्स पे बिलीव करें। 87% 12th मैथ्स। मुझे आगे इंजीनियरिंग करनी है। मैं इसका पूरा जो श्रेय है वो अपने पूरे स्कूल को देना चाहती हूँ, सारे टीचर्स को, क्योंकि मैंने कहीं से भी कोई कोचिंग नहीं की थी। मैं पूरे तरीके से अपने स्कूल के सारे टीचर्स पे डिपेंडेंट थी, तो इस हिसाब से मैं उनको बहुत बड़ा थैंक्स बोलना चाहती हूँ। अंशिका 94 12th। नीट करना है, MBBS करना है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको किस तरह से पढ़ाई करें, क्या बस कंसिस्टेंट रहें, कंसिस्टेंट रहें, डेडिकेटेड रहें, बस और क्या। कितना परसेंटेज आया सर? 97.8%। इसका श्रेय किसको देंगे आप? सर इसका मैं श्रेय अपने मम्मी पापा को देना चाहता हूँ। मेरी मम्मी हमेशा मुझे सपोर्ट करती थी पढ़ाई के लिए, और मुझे ज़्यादा काम ना करना पड़े इसका पूरा ध्यान रखती थी। अच्छा, इस समय जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको किस तरह से टिप्स देंगे, कैसे पढ़े हुए? सर सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि डेली पढ़ना चाहिए, ये नहीं कि एक दिन पढ़े, दो दिन फिर बैठे आराम कर रहे हैं। ऐसा मतलब डेली पढ़े, कम पढ़े लेकिन डेली पढ़े।